हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस आज के वीडियो में सिंधी का डिज़ाइन बनाना बताएंगे हम आपको कि छोटे छोटे जगह पर जैसे तकिए का कवर हुआ या बेडशीट का किनारी हुआ या सिंगल आपको बेडशीट बनाना है तो आप उस पर किस तरह से वर्क करेंगे। सिंधी का वीडियो हम मैंने और भी बहुत सारा अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा डिज़ाइन हर तरह का चीज़ बताया हुआ है, तो मैं कितने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ तो ये मुश्किल होता है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ओपन कर लेंगे तो जितना भी सिंधी का वीडियो मैं डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए पहले इस तरह का फ्लावर बनाना बताएंगे हम आपको। इस पर पहले हम लाइन लगा लेंगे और इसके थोड़ा सा आधा इंच कैप देते हुए और भी हम मार्क लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। इसके बाद जिस तरह का धागा से बनाना हो तो उस तरह का धागा आप यूज करेंगे, लेकिन ये ऊल से ही बनाएंगे आप, ये देखिए से ही बनाएंगे। अगर आपको सूट वगैरह में बनाना है तो आप जो लर्ची वाली उस धागे से आप बनाएंगे या रेशम का धागा आता है उससे आप बनाएंगे, लेकिन बेडशीट वगैरह आप उनसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, चाहे बड़ा डिजाइन हो या छोटा डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन हो तो हम बनाना यहीं से शुरू करते हैं। अगर शुरू से आप फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो आपका हर स्टेप ही फिनिशिंग के साथ बनते जाएगा। इसी तरह से इसको हम इस लाइन को पूरा करेंगे, तो चलिए जल्दी से पूरा कर लेते हैं इसको। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ ऑर्डर पर सिंधी का नहीं बनाती हूँ, मैं मेरा काम सिखाना है, मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक वीडियो का फिर से रिपीट करिए, देखिए जो आपको डिज़ाइन पसंद हो और वहाँ से आप सीख करके उसको बना सकते हैं। अगर मैं बना रही हूँ तो एक ही चीज़ बनाऊँगी किसी एक के लिए, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है। और अगर आप बनाएंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, आप कहीं भी किसी भी चीज़ पर कभी भी बना सकते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। कहीं भी मैं इस पर स्किप नहीं कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप इसको ध्यान दें कि कितना सुंदर ये हमारा फिनिशिंग के साथ बनते जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसमें कि ग्राफ पर हम तो बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि ग्राफ पर हमने देखा भी है बताते हुए बता दूंगी, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं कोई भी चीज़ वर्क करते हैं तो उस पर हमारा ग्राफ नहीं दिया हुआ है। अगर बड़ा सा बेडशीट बनाते हैं हम तो ग्राफ उस पर नहीं रहता है, उस पर अपने ही हमें आइडिया लगा करके बनाना पड़ता है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या ग्राफ द्वारा बनाना चाहते हैं तो उस पर आपको ग्राफ
का नक्शा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर आपको बनाना पड़ेगा ये सिंधी का डिजाइन अलग से। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, अब इसके बाद इसके ऊपर में यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और फिर नीचे की तरफ हम आ जाएंगे बनाते हुए। इस तरह से हमारा एक फूल बन करके कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही ये चार चार का एक फूल होता है। ये देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4। तो हमने ये तो बना करके सिखा रही हूँ आपको, जब आपको ज़्यादा बनाना होगा तो इसी तरह से ये पहला वाला स्टेप बना लेंगे और इसी तरह से आप फूल को बनाते जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते। अगर इसमें एक फूल ज़्यादा हो जाता है, एक फूल मतलब ये वाला, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कोई छोटा फूल बना करके। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ तक इस फूल को बना करके हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे कि ये हमारा एक एक्स्ट्रा बन जाता है या बन गया है,
तो यहाँ पर इस तरह से आप एडजस्ट कर देंगे कोई एक छोटा वाला फूल बना के, क्योंकि हमारा पर एक ही एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ से हम भराई शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसको अटैच कर लेंगे इसमें, और अटैच करने के बाद में इस तरह से हम भराई शुरू कर देंगे इसका। जो सबसे पहले बनता है वो सबसे बाद में भरता है, और जो सबसे बाद में बनता है वो सबसे पहले इसकी भराई शुरू होती है। और इसकी भराई 4 बार में होती है, भराई यानी कि पूरा इसका वर्क। 2 बार में हमने इसको बना दिया, एक बार ये पहला वाला स्टेप और ये एक बार में ये पूरा। वैसे ही जैसे पूरा हमने बनाया वैसे पूरा को एक साथ में ही भरते हैं। और जो ये हमने स्टार्टिंग में पहला वाला स्टेप बनाया था वो वाला सबसे लास्ट में बनाते हैं, उसकी भराई सबसे बाद में होगी। उसकी भराई एक ही लाइन होती है। हमारा सुई में भी धागा ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ की भराई में आपको थोड़ा सा ही बता पाऊँगी। ये पीछे के साइड से हम निकाल देंगे इसको, निकाल करके इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से, इसी तरह से इसकी पूरी भराई हमने कंप्लीट करनी है, और इसी तरह से पूरा डिजाइन हमें बनाना है। अगर सूट वगैरह पर भी आप बनाना चाहेंगे तो उस पर भी कैसे बनाते हैं उसका भी मैं आपको आइडिया बताऊंगी। और आप कमेंट ज़रूर करें कि किस चीज़ पर आपको बनाना है, तो उस तरह से उसके हिसाब से बनाना है। मैं एक बार फिर यही बात कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ इस पर डिजाइन सीखना है कि कौन सा डिजाइन आपको कहाँ पे यूज करना है, बाकी डिजाइन सब जगह एक ही जैसा बनेगा। उसको सूट पे बनाना है, साड़ी पे बनाना है, ब्लाउज पे बनाना है, बेडशीट पे बनाना है, उसके हिसाब से हम डिजाइन डालेंगे। अगर सूट पे बनाना है तो पतला छोटा बनाएंगे, और भी बहुत सारे मैंने डिजाइन अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उसमें से एक एक छांट छांट के आप सूट पर डालेंगे या साड़ी पर डालेंगे। और बेडशीट पर जो बनाना है वो बहुत सारा बड़ा बड़ा डिजाइन मैंने बताया हुआ है, उस तरह का डिजाइन बेडशीट पर आप बनाएंगे। ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।